ये एक जो रूम है इसी में ये लोग रहते हैं। ये बिल्कुल प्योर मड से बना हुआ है और बड़ा ही नेचुरल सा एनवायरनमेंट है। इधर ये एक टोका लगा हुआ है जानवरों का चारा वगैरह काटने के लिए। तो बाबा जी के पास जानवर वगैरह तो नहीं है, ये कुछ बतखें वगैरह हैं और कुछ मुर्गियां वगैरह रखी हुई हैं बाबा जी ने। ते मां जी आज किथे गए थे? खाने वाल गए ने? किदन दे गए थे? आज गए ने? सही सही। ते किदन आना ने वापस? अच्छा फौत की हो गई है तो उत्थे गए। चलो अल्लाह खैर करे। ये एक रूम है, इधर अंदर लाइट वगैरह अभी नहीं है। ये देखें, ये छतीरी इसको बोलते हैं लोकल ज़बान में। इसमें कुछ बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं और ये बाबा जी ने टेलीविज़न भी रखा हुआ है। और इधर ये पंखा है, वो पीछे अनाज वगैरह डालने के लिए पड़ोला है। और छत जो है वो इसका लकड़ी का डला हुआ है, ऊपर वो घास डाली हुई है घास को खुश करके। और इधर भी एक छोटी टांची पड़ी हुई है जिसमें आटा वगैरह डालते हैं। तो दोस्तों, बाबा जी का एक ही बेटा है जो इनके साथ नहीं रहता, अलग-अलग घर में रहता है। इधर सिर्फ बाबा जी और मां जी जो हैं वो रहते हैं। दोस्तों ये घर है, इस घर पर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस घर में सिर्फ दो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, एक ये बुज़ुर्ग हैं और एक इनकी वाइफ है जो आज घर पर मौजूद नहीं है।
इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी बाबा जी और बेबे जी की, तो बहुत सारे दोस्त कहते थे कि आपने बुज़ुर्गों से बात क्यों नहीं की। तो बुज़ुर्ग जो हैं वो थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं, उनकी सुनने की समात बहुत कमज़ोर है, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं है। ये चुल बनाई हुई है इधर, ये शाम का और सुबह का खाना वगैरह जब बनाते हैं, तो आजकल बारिशों का सीज़न है इसलिए इसको ऊपर से डांपा हुआ है, और कुछ मांझी जो हैं वो घर पर नहीं है तो इसलिए इसको ऊपर से डांपा हुआ है। और ये पीछे जो है ये वाशरूम है, ये इधर बाग को पानी देने के लिए एक हीटर इंजन भी लगा हुआ है। और आइए मैं आपको एक और रूम का विज़िट करवाता हूँ जिधर बाबा जी पहले रहते थे। ये देखें, ये बाग के बीचों बीच ये एक कमरा है, पहले बाबा जी और माँ जी इधर रहते थे, तो ये बारिशों की वजह से इसको काफ़ी नुकसान पहुँचा इस रूम को, तो अभी दूसरा रूम बना लिया है। ये इधर बाबा जी ने बतखों और मुर्गियों के लिए जो है वो दो खुडे बनाए हुए हैं, ये बतखों का और वो साथ वाला जो है वो मुर्गियों का, ये भी सारा मड का, और ये जो अभी बना है ये थोड़ा ईंटों से बनाया। ये अमरूदों का बाग है, बाबा जी का जो रोज़गार वगैरह चलता है तो वो इन
अमरूदों से ही चलता है, ये अमरूद वगैरह सेल करते हैं तो इसी से फिर इनका जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी होती है। अभी कुछ दरख्तों पर अमरूद लगे हुए हैं, ये जो अमरूद लगे हुए हैं ये अभी सर्दियों वाले हैं, तकरीबन एक डेढ़ माह के बाद तैयार हो जाएंगे। तो बाग के दूसरी तरफ जो गर्मियों का फल है वो भी लगा हुआ है, वो तैयार है। ते बाबा जी बेटा तेरा कित्थे रहिंदा? पिंड च रहिंदा, तेरे नाल नहीं रहिंदा है, की वजह कोई मुश्किल है? सही सही। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि बाबा जी की सुनने की समात बहुत कम है, तो जिसकी वजह से उनको सही तरह से समझ नहीं आती। एक बाबा जी का बेटा मैंने उनसे पूछा है तो वो बोल रहे हैं कि वो अलग रहता है, हमारे साथ नहीं रहता। इधर अमरूदों के साथ साथ और भी फलदार पौधे लगाए हुए हैं। ये नींबू है, ये देखें आप, नींबू छोटे छोटे से यानी कि लेमन लगे हुए हैं और फूल वगैरह भी निकले हुए हैं लेमन के। और ये देखें इधर कुछ आमों के दरख्त जो हैं मैंगो के, वो भी काश्त किए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो अमरूद के दरख्त हैं, यानी कि अमरूद का एक छोटा सा बाग है ये। और इधर एक छोटी सी चलानी भी है, ये जानवरों का गोबर है, इसको खुश करके इधर रखा हुआ है, ये आग जलाने के काम आता है क्योंकि खाना वगैरह जो है वो इसी पर बनता है। इसको खुशक करके इधर स्टोर कर लिया जाता है और फिर ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देखें कुछ ऊपर आपको द्वार के ऊपर नज़र आ रहा है, तो जब ये खुशक हो जाएगा तो फिर इसको स्टोर कर लेंगे। तो नाज़रीन अभी शाम का टाइम है, तो सुबह ये जानवरों को बाहर निकाल दिया जाता है, तो अभी क्योंकि शाम होने में थोड़ा ही टाइम बाकी है तो इसलिए अभी इनको डांप दिया गया है। Thank you.